रिपोर्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं अनामिका। बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना के NMCH में भर्ती कोरोना पॉजिटिव दो मरीजों के साथ ही दो कोरोना सस्पेक्ट मरीजों की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। एक साथ चार मरीजों की मौत से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। शमा परवीन 45 वर्ष की थी, पटना जिले की थी और वो हृदय की बीमारी से पीड़ित थी। दूसरे मृतक जो है वो जोखन प्रसाद 55 वर्ष के थे, रोहतास जिला के थे और जो टीवी की बीमारी के साथ साथ हाई बीपी और डायबिटीज से पीड़ित थे। कोरोना सस्पेक्ट मौत के शिकार हुए मृतक कुंदन कुमार 36 वर्ष के वैशाली जिला के निवासी थे जो डायबिटीज से पीड़ित थे। कोरोना सस्पेक्ट मौत के शिकार हुए मृतक रवि कुमार 19 वर्ष के मात्र थे, पटना सिटी के निवासी थे जो कि डायबिटीज से पीड़ित थे। सभी मरीज को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले की बात करें तो बुधवार को फिर एक बार 2328 नए मामले के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 45,919 हो गई है। बुधवार को जो 2328 मामले सामने आए हैं उनमें 1,528 ऐसे मामले हैं जिनकी टेस्टिंग जो थी वो 28 जुलाई को हुई थी और 800 ऐसे मामले हैं जिनकी टेस्टिंग 27 जुलाई को हुई थी। इन दो जो दिन में जो मामले सामने आए हैं इनमें 28 जुलाई की जो टेस्टिंग हुई थी उसमें पटना में 219 मामले और 27 जुलाई की टेस्टिंग में पटना में 118 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से इस महामारी को रोकने के लिए, इस महामारी की रोकथाम के लिए कई पहल भी किए जा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि इस पर कितनी जल्दी और किस हद तक काबू पाया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। अवर हार्ट नेवर हार्डन्स, अवर टेम्पर नेवर टायर्स, अवर टच नेवर गर्स। वी वैल्यू व्हाट वी डू। वी आर पारस, वर्क फॉर कॉज नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।